सतगुरु चरण को करूं धनी प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनियन छुड़ाइयो खिन लांके तनी लाल एरिया, मेरे जीव के यही जीवन इन्हीं पांव तले पड़ी धनी नजर खोल बात ने पलने वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लागू करूं सिजदा पकड़े के दो पाए, हुक्म करते हैं माशिक बीच आशिक के दिले आए, बीच आशिक के दिले आए। दामदनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी जयपुर की यह पवित्र धरती श्री प्रणामी पंचायत के समस्त सदस्यगण, पुजारी जी महाराज, समस्त सुंदर साज जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम। सैया मेरे धनी धाम के दूल्हा, अरे कर न सकी पहचान, सैया सोरों में याद कर कर, अरे जो मारे हैं ते के बाने, सैया मेरे धनी धाम के दूल्हा। प्यारे सुंदर साज जी, जैसे अभी अभी बताया गया कि आज विरह का दिन है। विरह क्या होता है, विरह किस लिए जरूरी है, विरह किसको कहते हैं, और विरह कौन करता है, किसके लिए करता है, और विरह से क्या लाभ होता है। वीरा के अंदर भी हम देखेंगे प्यारे सुंदर साज जी, तो वीरा कई प्रकार के वीरा होते हैं।
जैसे कि हमारे अंदर तीन प्रकार के गुण माने जाते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतगुण, उसी तरह से हम वीरह को भी सात्विक वीरह भी ले सकते हैं, राजसिक वीरह भी ले सकते हैं और तामसिक वीरह भी ले सकते हैं। जैसे कि ब्रजमंडल के अंदर हम जब अपने पिया प्रियतम अक्षरातीत श्री कृष्ण के साथ थे 11 बरस और 52 दिन, और वह आनंद की लीला थी 11 साल, लेकिन फिर भी जब जब श्री कृष्ण जी बछड़ा लेकर के, गायों को लेकर के वन के अंदर जाते थे, तो उस समय पता है कि संध्या के समय वापस जरूर अपने प्रियतम आएंगे, फिर भी गोपियां छिप छिप करके रोती थी, छिप करके अपनी सास को पता न चले, पति देव को पता न चले, घर परिवार वालों को पता न चले, उस प्रकार आंख में अश्रु भर करके रो रही थी। यह जो वीरा है, एक प्रकार से हम मानेंगे यह सात्विक वीरा है, लेकिन यही 11 वर्ष और 52 दिन की जब लीला समाप्त हुई और जब श्री कृष्ण ने योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जब बंसी बजाई और वही बंसी का जो वेणु नाद जो गोपियों के श्रवण के माध्यम से जब उनके दिल के अंदर पहुंचा, और जब वह श्रवण के माध्यम से दिल के अंदर छूने वाली जो वेणु नाद है वो गोपियों के अंतरंग के अंदर इस तरह से चुभ गई कि जो 52 दिन का जो विरह था, जिस विरह आग के अंदर गोप प्रिया जो थी, ब्रह्म प्रिया जो थी, गोपिया जो थी, जो जल रही थी, उसी आग ने इतना बल दिया, इतना बल दिया कि संसार को लात मार करके गोपिया 1 सेकंड भी नहीं लगी और निकल गई थी। तभी सुखदेव मुनि महाराज ने वहां गौपत बच्छ करके वर्णन किया, वो भी कहने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए शब्द प्रयोग किया गया गौपत बच्छ करके, अन्यथा इतना भी रंचक जितना भी संसार को उस समय गोपियों की नजर में नहीं आया था, और 1 सेकंड के अंदर गोपियां निकल गई थी। यहां तक कि स्वातसी गोपियों को जब रोका गया था तो दिक दिक पड़ो रे आ संसार ने का न उठे रे अगिन, वीर तामस भेला थया त्यारे अंगड़ा थया रे पता ना, तन को छोड़ करके भी निकली लेकिन रुकी नहीं थी। यह जो वीरा है वो एक प्रकार से हम मानेंगे कि राजसी वीरा था, क्योंकि गोपियों का जो वीरा था वो मध्य अवस्था के अंदर था, लेकिन जब वो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर गोप प्रिया पहुंची और वृंदावन के मध्य में अपने प्रियतम श्री कृष्ण को सामने देखा, और जैसे ही पास में आई और श्री कृष्ण ने जब गोपियों से जो प्रश्न किए, जिसको श्रीमुख वाणी के अंदर रास ग्रंथ के अंदर उथला वचन करके कहा है, जो तिरछे वचन कहे जाते हैं, वह तिरछे वचन सुन करके जो गोपियों की हालत हुई थी, कितनी गोपियां रोने लगी, कितनी कहो तो वहीं बैठ गई, खड़ी होने की ताकत नहीं है, और कितनी तो मूर्छित भी हो गई थी। जब प्रियतम वाला जी ने कहा कि अब इस समय आप अपने घर परिवार को छोड़ करके क्यों आई हो, जाओ यहां से, वृंदावन की शोभा को देखने आई हो तो देख ली हो तो अपने घर परिवार में वापस चली जाओ, वापस जाओ, यह शब्द गोप प्रियाओं को सहन नहीं हुआ था। तो यह जो वीरा की जो अवस्था थी इस समय, वो एक तामस वीरा ने रूप ले लिया था। उसी तरह से जब जागनी ब्रह्मांड के अंदर हमारी ही श्यामा महारानी स्वयं रूह अल्लाह कहो जब सदगुरु के रूप में प्रकट हुए, और उमरकोट गांव के अंदर जब उनके दिल के अंदर एक चाहना, एक प्रश्न प्रकट हुआ कि मैं को ये जगत कहां वार, कहां पार, कहां से आयो, कहां मेरो भरथार, तो इसकी खोज करने के लिए जब निकले सतगुरु महाराज उमरकोट से, तो खोज बड़ी संसार तुम खोजो साधो कहा, तो इस समय उनके अंदर जो अपने प्रियतम के मिलन के लिए जो विरह था, जो दर्द था, जो वेदना थी, ये एक प्रकार का विरह था। लेकिन जब
इसी वीरह को आगे ले जा करके और खोज करने लगे, कशनी करने लगे, कच्छ देश के अंदर कहो। पहले एक दर्शन भी हो गए, दूसरे दर्शन भी हुआ और वीरह की आरख प्रकट होने लगी और पिया मिलन की तड़प बढ़ने लगी। लेकिन जब जामनगर के अंदर नवतनपुरी के अंदर पहुंचे और निष्ठाबंद जब श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे थे, व्रज लीला का श्रवण कर रहे थे, रास लीला का श्रवण कर रहे थे और व्रज रास लीला का श्रवण करते करते प्रत्यक्ष व लीला सामने देख रहे, उसका रस ले रहे हैं, इस समय उनका वीरह कितना बढ़ गया था वो हमें जब उन की तबियत खराब हुई और मतु मेहता और कौरवाई ने उनको रोका तब पता चलता है। जब उनको ज्वर आ गई, बुखार आ गया और उनको कहा वैद्य ने कि आज इनको जाने नहीं देना है कथा श्रवण करने के लिए, तब माता बाहर से चौकीदारी कर रहे, पिताजी अंदर से चौकीदारी कर रहे हैं, काढ़ा बना करके औषधि बना करके दे दी। लेकिन जैसे समय हुआ तैयार हो गए सतगुरु स्वरूप और तैयार होकर के जाने के लिए जब तैयार हुए, वैसे ही मतु मेहता ने रोक लिया। जब रोका अंदर से तो कुंडी जो लगाई हुई थी खोल दी, लेकिन बाहर से माता जो है वो मान नहीं रही थी। उस समय सतगुरु स्वरूप के अंदर जो वीर वेदना, जो आग जल रही थी, रे मूर्खो मैं मरने का नहीं, मेरे देखोगे आकार उत मेरी आत्म जाएगी और न कछु विचार। देखो इतने बोल शब्द बोलते बोलते तो वो सतगुरु स्वरूप स्वयं उनका तन जो है वो जमीन पर गिर पड़ा। तो यह वीरा वो अवस्था कैसी थी। और जब आज चौथ के दिन बंगला दरबार में हमारे प्राण प्रियतम अक्षरातीत स्वयं श्री प्राणनाथ जब पर्दा के अंदर जा रहे हैं, अब हम धाम चलत है तुम हुजो सबे होशियार, तो पहले से ही जब अनूप शहर जा रहे थे दिल्ली से और बीच मार्ग के अंदर कहो जब तबीयत खराब हुई थी, तो उस समय जब लालबाई रोने लगी थी तभी धनी ने कहा था अभी मेरा जाने का समय आया नहीं है, जब मैं जाऊंगा तब पहले से ही आपको सावधान करूंगा। तो 1748 के अंदर जब बंगला दरबार के अंदर श्रीमुख वाणी रास ग्रंथ से लेकर के कयामत नामा तक जब संपूर्ण हो चुका था, उसके बाद 3 साल कहो 49 50 और 51 3 साल जो हक्की स्वरूप के अंदर जो लीला हुई थी पहले ही बताते आए सैया अब हम धाम चलत हैं। और जब आज के दिन जब पता चला कि वजूद पर्दा में जा रहा है, तब इस समय जो मोमिनों के अंदर जो दर्द था, जो वीरा था, 5000 की जमात लेकर के श्री जी आए थे श्री पद्मावतीपुरी धाम। जैसे सतगुरु स्वरूप जब पर्दा में गए, उन्होंने अपने पंचभौतिक तन को जब विसर्जन कर दिया था, उस समय जो इंद्रावती ने आर्त पुकार की थी उसी तरह से यहां मोमिन कर रहे हैं। तब इंद्रावती जी ने भी कहा था कि सैया हे धनी, मेरे धनी धाम के दुल्हा में कर ना सकी पहचान। हफ्सा के अंदर जो स्वरूप प्रकट होकर के जब दर्शन दे रहे तब पहचान हुई कि वो स्वरूप तो कहीं गए नहीं जिनको ले मैं आह्वान कर रही थी कि आओ जी वाला मारे घेर आओ जी वाला, एकलड़ी परदेश मां मने मुकी ने कहा चाल्या, वो तो कहीं गए ही नहीं। वो तो तबहार के धनिये बिचारिया मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्दंग, फिर बैठे माहे आसन कर मां मती हृदय अपंग कहा। वो तो स्वयं मेरे दिल रूपी धाम में आकर के विराजमान हो चुके हैं, मेरे दिल को अर्श बना दिया है। और उसी तरह से यहां जब अब हुक्म में द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आई के अर्श कर बैठे खसमा।
जब हुक्म ने दरवाजा खोल दिया। इस वजूद से, इस तन से जो लीला करनी थी वो समय समाप्त हो चुका वजूद का। और यहां जो बंगला दरबार के अंदर सुंदर साथ बैठे, या गांव गांव के अंदर, या शहर शहर के अंदर, जहां भी जो भी धाम की पवित्र आत्मा ब्रह्म सृष्टि है, जागृत आत्मा है, जब उनके कान में ये शब्द पहुंचे होंगे कि धनी धाम चले, तो वो सुहागिन की क्या हालत हुई होगी। उस समय को याद करने के लिए यह वीर गाया जाता है। यह श्वेत वस्त्र, जो श्रृंगार, क्यों? उस दिन की हमें याद दिलाता है। जो साथ में चले सुंदर साथ, तो संसार से उन्होंने अपने जीवन रूपी बाजी को जीत लिया था, क्योंकि धनी के साथ जागनी अभियान के अंदर वो शामिल हो गए। धनी के चरण में अपने तन मन धन आत्मा सर्वस्व समर्पित कर दिया। लेकिन सही समय था वो जीती हुई बाजी को फिर जीत करके धाम में उठने का, वो था आज का दिन, जो कई सुंदर सात मोमिनों ने करके दिखाया। जब धनी पर्दा में आए, उसी के साथ कई सुंदर साथ ने अपने तन छोड़ दिया। गांव गांव में जो थे, खेती कर रहे थे, काम कर रहे थे, उनके कान में जब यह शब्द पहुंचा, जो श्वास बाहर निकली थी, फिर वह श्वास वापस अंदर नहीं गई। और जिन्होंने दो दिन में तन छोड़ा, किसी ने पांच दिन में, किसी ने पंद्रह दिन में, तो वो क्या सोचता है? मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान, अरे मैं कैसी सुहागिन हूं, विरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछुरी होए, जो मिन बिछुरी जल थे, या गत जाने सोई मेरे दुल्हा। एक धनी के साथ पहचान होने के बाद जो निस्बत, और निस्बत का श्रृंगार करने के बाद जो रूह अपने प्राण प्रियतम के साथ जब संजोग करती है, और वो संजोग का सुख उसके लिए एक सेकंड का सुख अनंत सागरों के समान है, उससे भी बढ़कर के है वो सुख उसके लिए। और वही सुहागिन का जब वियोग हो जाता है अपने प्रियतम से, प्राण वल्लभ से, प्राण नाथ से, तो वीरा जो है, उस वीरा के अंदर उस सिहागिन की क्या हालत, क्या अवस्था, क्या दशा होती है? उसे लगता है कि अरे इस शरीर को ही मैं वीरा रूपी कुंड के अंदर, वीरा रूपी यज्ञ के अंदर, कहो इस शरीर के अंग अंग की कहो तो आहुति में दे दूं। आज मेरे धनी पर्दा में, धाम धनी दुल्हा प्रियतम जा रहे हैं या चले गए, तो सारी प्रकृति रो रही है, आकाश रो रहा है, सागर रो रहा है, जमीन रो रही है, जल जल रो रहे, थलचर रो रहा है, और मैं कैसी निष्ठुर कहो, निठुर कहो, कैसी सुहागिन कि मेरे आंख में एक अश्रु भी नहीं आता, और सुहागिन के नाम पर आज भी अभी मैं इस वजूद को, तन को धारण करके इस संसार के अंदर में बैठी हुई हूं, मैं कैसी सुहागिन। अन्य के लिए वो कोई संत हो गए, अन्य के लिए कोई महात्मा हो गए, अन्य के लिए कहो तो गुरु हो गए, अन्य के लिए वो सतगुरु भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे तो धनी धाम के दुल्हा, मेरे वो गुरु मात्र नहीं है, सतगुरु मात्र नहीं है, शाश्वत संबंध है जिसका, मेरी रूह का जिसके साथ। इस संसार के अंदर जितने भी संबंध मैंने प्राप्त किए हैं वो तो वजूद के हैं, इस तन के संबंधे जो वजूद के साथ ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन जिसके साथ मेरा शाश्वत संबंध है, त्रिकाल संबंध है, जो स्वयं मेरे लिए संसार के अंदर इस वजूद को धारण करके प्रकट हुए थे,
और बार बार मेरी आत्मा को झंझोर रहे थे, मेरी यहां की फरामोशी हटाने के लिए, नींद को भगाने के लिए कहो, रूह को जगाने के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत की, मैंने क्या किया उनके लिए? वीर के अंदर वो सुहागिन न उठ पाती है, न बैठ पाती है, न करवट ले पाती है। यहां तक कि रतन जड़ित जो मंदिर सो उठ उठ खाने धाए। ये संसार का जो सारा वैभव है, धन संपत्ति है, सुख साई भी है, धनी के संजोग में जो आनंद देने वाले साधन थे, वही वियोग में कहो तो अब आग दे रहे हैं, दर्द दे रहे, दुख दे रहे हैं। जैसे एक मछली होती और मछली जल के अंदर अपना निवास बनाती है, उसी तरह से विरहीन जो है वो विरह के अंदर ही अपना घर बनाती है। उसका घर कहां है? वो कहीं बाहर उससे निकलना नहीं चाहती है। बिरहा न देवे उठने, न देवे बैठने, और हुक हुक श्वास ले रही है सुहागिन। और विरह का सिंगार जो उसे दर्द देता है, उस दर्द के अंदर ही वो पवित्र इशक जो है, प्रेम जो है पिया मिलन का, वो छिपा हुआ है। जैसे कच्चा लोहा होता है, उस लोहे को पकाना हो, जब लोहे को निकालते तो वो कच्चा ही होता है, लेकिन उसको पकाना है तो आग के अंदर डालना पड़ता है। जब आग की अग्नि उसको लगती है और वो तपता है, तब जाकर के वो लोहा पक्का बनता है। उसी तरह से हमारे जीव के ऊपर लगे हुए विकार को धोने के लिए, साफ करने के लिए यह वीर रूपी आग जरूरी है। यही हमारे कामस को, विकारों को धो देती है और फिर शुद्ध पवित्र प्रेम प्रकट होता है। इसीलिए कहा दुखते वीर उपजे वीर प्रेम इशक। कहा देखो, जब इशक प्रेम आया तब नहचे मिले हक। कहा है क्योंकि एक एक श्वास कहो, एक एक सेकंड उसकी पिया के साथ गुजर रही है विरह के अंदर भी। रोम रोम सुली सुगम खंड खंड खांडा धार, पूछ पिया दुख तीन को जो है तेरी विरहिन नार। गाए देखो, एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होसी विहार। फिर उस विरहिन को, और विरह के अंदर भी कोई दर्द नहीं है, दुख नहीं है। हमारी नजरों में वो दुखी लग रही है, लेकिन अंतरंग वो पिया के सुख को प्राप्त कर रही है। वो विरह में भी आनंद पिया का ले रही है और वो सोच रही है कि इस विरह के अंदर भी इतना आनंद है तो मिलन के अंदर कितना आनंद होगा, सोचो। इसलिए जैसे संसार में भी कई प्रकार की परिस्थिति आती है, हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है, आगे बढ़ाती है, समझाती है। हर परिस्थिति हमारे लिए जरूरी होती है क्योंकि हम संसार के अंदर, विषयों के अंदर, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अंदर, नींद के अंदर, अज्ञानता के अंदर, मोह माया के अंदर, भ्रम के अंदर बंध चुके हैं। इस बंधन को तोड़ने के लिए धनी को कितना प्रयत्न करना पड़ता है। इसीलिए वो संसार के अंदर हमारी परिस्थिति उभी होती है, खड़ी होती है। इसलिए विरहीन हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करती है, हर परिस्थिति को वो स्वीकार कर लेती है। हंसते हंसते सीता ने हंसते हंसते राम के साथ वनवास स्वीकार किया था, क्यों सोचो। और आज हम दुख से इतना घबरा जाते, इतना डरते, इतना भागते हैं कि हर पल अगर भक्ति के माध्यम से भी हम कुछ चाहते हैं तो मात्र हम सुख खुशी रहे, हमारा परिवार खुश रहे, कोई आपत्ति न आए, बस सुख शांति रहे,
और कुछ भी होता है तुरंत हम मन्नत मानते हैं, पाठी वो दोरा धागा सब कुछ करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि मात्र संसार के अंदर सीमित रह गई है। इसलिए हम संसार से जितना भागेंगे उतना ही हम दुखी होंगे, और जितना हम प्राण प्रियतम श्राहति श्री राज्य महाराज के चरण में समर्पित होंगे, और वही पवित्र ईश्वर की आग जब जलेगी तो जैसे व्रज में गौपद वच बना दिया था ब्रह्म प्रियाओं ने संसार को, या चौथे दिन जागनी ब्रह्मांड में भी कहो, आज चौथ के दिन बंगला दरबार में भी मोमिनों ने गौपद वच बना दिया संसार को, तो हम भी इस संसार को उसी तरह से गौपद वच बना देंगे। सो रो में याद कर कर जो मारे हेत के बाण, धनी के वचन जो है एक एक वचन तारतम के वचन, वचन वाला जीना वाले रारे लागे, मीठे वचन है मधुर वचन है। और ये तो राम बाण से भी कई असरकारक ब्रह्म बाण रूपी वचन है जो ये बार बार निकल जाते हैं। ये बाणी तिच्छन अति सार, सो निकसेगी वार के पार, संबंधियों की यही पहचान, वाको सालसी सकल संधान कहा है। देखो तैसे प्राण प्रियतम के वचन अपने हृदय के अंदर दिल रूपी लॉकर के अंदर उसको कैद करना है, बंद करना है, और उसी के अंदर सत चिद और आनंद छिपा हुआ है। यही सत चिद आनंद रू अपने पिया के साथ प्राप्त करती है। समय की मर्यादा है।